तो यूपी के 26 क्रिकेटर ऑक्शन में आज शामिल रहे थे, किस तरीके की प्रतिक्रिया फैंस की तरफ से आप देखने को मिल रही है, क्योंकि आगरा के दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने और इसके साथ ही राहुल चाहर को पंजाब किंग्स ने खरीदा है 5 करोड़ 25 लाख में। जी अब बिल्कुल देखिए, बहुत ही उत्साह वाली बात है, यहाँ पर तमाम लोग आगरा में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम इस समय उनके पिताजी के साथ मौजूद है यहाँ पर, और जो बता रहे हैं कि उम्मीद तो करी थी कि दीपक चाहर अच्छे रेटों में जाएंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं करती कि इतने अच्छे रेट उनको मिल जाएंगे। आइए उनसे ही बात करते हैं। लोकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी इस पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी मेहनत रंग लेकर आई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, और दो बातें हुई हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे और कहीं ज्यादा से पैसे मिले, और जो हमारी चॉइस थी कि वो दोबारा फिर चेन्नई के लिए खेले तो वो चेन्नई की टीम में है, तो बेहद खुशी है। मैं भी खुश, दीपक भी खुश, पूरा पूरी फैमिली खुश। अच्छा, खुश तो पूरी जनता है आगरा की, सभी सब लोग खुश है, प्रदेश के लोग खुश है, चेन्नई क्यों खुश है? चेन्नई इसलिए कि वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो एक फैमिली की तरह है। मैं खुद भी जब भी मैच देखने जाता हूँ तो मुझे कभी एहसास नहीं होता मैं मैच देखने आया, मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली में, तो वो एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा। पहले बहुत स्ट्रगल करा है, आप खुद एयरफोर्स में थे, वहां से रिटायरमेंट लिया बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, कैसा लगा? बहुत अच्छा, जब हमने शुरुआत की थी तो मैं सोचता था कि नहीं खाली खेलना ही नहीं है कि 2-4 मैच खेले, वो बहुत लंबा खेले, उस मुकाम पे पहुंचे जहां बड़े प्लेयर्स हैं, तो आज मुझे ये फील हो रहा है कि वो उस जगह पहुंच रहा है जहां हमें उम्मीद थी और हमने सोचा। बिल्कुल विवेक, क्योंकि दीपक चाहर के जो पिता हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि दीपक को आगे बढ़ाने में उनका कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि पारिवारिक सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, और क्या दीपक को इंस्पिरेशन उनके पिता से ही मिलती है? जी बिल्कुल, बताते हैं तो खैर, हालांकि आगरा के हर इंसान जानते हैं क्योंकि जितनी मेहनत इन्होंने अपने बच्चे के लिए करी है, ये खुद भी एक प्लेयर रहते हैं लेकिन परिवार से सपोर्ट इनको नहीं मिल पाता, ये यहीं से जानते हैं। काफी संघर्ष वाला जीवन रहा है आपका, परिवार से सपोर्ट मिला है दीपक को, इसलिए इतनी तरक्की करी है, क्या करेंगे? देखिये मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूंगा, तो मैंने खुद कोच किया, मेहनत की उनके साथ, आज इस मुकाम पर पहुंची, मुझे बेहद खुशी है। और इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले कि भगवान के बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो चेन्नई के ओनर हैं श्रीनिवासन सर, काशी सर जो सीईओ हैं चेन्नई के, और महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने मेरे बेटे पर भरोसा किया और आज उन्होंने दिखा दिया उन्हें दीपक के ऊपर कितना भरोसा। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पर तमाम है कि पढ़ाई इसके लिए बहुत ड्रॉप करनी पड़ी, आपने स्कूल छुड़वाया अपनी, लेकिन कोचिंग में नहीं होने दी, क्या ये मानते हैं फल मेहनत? देखिए मैं स्कूल तो बंद करवाया लेकिन उसकी क्लासेस जारी थी, मैं खुद पढ़ाई करवाई, मैं खुद पढ़ाता था, और वो दीपक ग्रेजुएट है और प्रॉपर उसने पढ़ाई भी की और उसने एग्जाम भी पास किया। अच्छा, ये दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति होगी क्योंकि दोनों ही भाई है, भले कजन है लेकिन दोनों ही सिलेक्ट हुए और दोनों ही खेल रहे हैं। देखिए कजन है लेकिन मैं उसका ताऊजी हूँ राहुल का, और मैंने दोनों को कोच किया है, तो निश्चित रूप से मैं पापा की तरह हूँ उसके लिए, और मुझे ये जो खुशी है वो 11 गुनी होती है जब दोनों भाई खेलते हैं, दोनों ने अच्छा किया है। मुझे थोड़ा सा है कि राहुल को थोड़े पैसे कम मिले, मुझे लगता था 7-8 करोड़ उसमें होना चाहिए, लेकिन जब मैं अदर स्पिनर्स को देखता हूँ तो किसी स्पिनर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, जैसे चहल 6.25 में, राहुल 5.25 में, तो उधर देखता हूँ थोड़ा ठीक लगता है, बाकी मुझे लगता है 2-3 करोड़। तो दो बच्चों के चयन होने पे खुशी को दोगुना नहीं, ये 11 गुना मान रहे हैं, खुशी आप 11 गुना हो चुकी है। बिल्कुल विवेक, और आगे के लिए चैलेंजेस आप किस तरीके से देखते हैं वो दीपक और राहुल के लिए? बहुत मुकाम हासिल कर लिया लेकिन आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी, तो क्या मानते हैं कैसा, क्या चैलेंजेस फेस करेंगे? देखिए अब क्योंकि दीपक वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर पहले भी था लेकिन अब क्योंकि अब ज्यादा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी भी ज्यादा है, और उसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अभी अच्छा कर भी रहा है तो अब उसकी जिम्मेवारी है वो बॉल एंड बैट दोनों से करे और ज्यादा से ज्यादा मैच जिता के दे, तो हम उसको रिपे कर पाए जो चेन्नई ने फिर दिखाया। उम्मीद है कि वो ऐसा प्लेयर है, ऐसा इंसान है कि अब वो दो ना होके खेले। अच्छा, आगरा में जगह जगह सेलिब्रेशन हो रहा है, लोगों लग रहा है कि आगरा का नाम रोशन कर गया, तो इससे कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना कि एक सपना था कि आगरा के लोग जो सोचते थे वो सोचते थे कि हम
हमारा जो प्लेयर है आगरा का वो इतना ऊपर नहीं है जिसको 14 करोड़ मिल जाए, जो लगातार इंडियन टीम के खेले, हर कंट्री के अगेंस्ट मैच अच्छा करे, तो एक फील है कि हमने किसी से कम नहीं है। मैं खुश हूँ आगरा वालों को हम ये कर पाए और उनको खुशी दे पाए, तो यही खेल है कि आप कितने लोगों को खुशियां देते हैं, तो उनके लिए भी खुश हूँ कि वो खुश है। अच्छा एक और प्रश्न, दीपक बैट्समैन भी है साथ ही साथ बहुत अच्छे मीडियम पेसर भी हैं, तो किसमें आपको लगता है जब आप उन्हें कोच कर रहे थे उनकी कोचिंग चल रही, तो किस चीज में उनको ज्यादा महारत? देखिए जब हमने शुरुआत की थी तो सोचा था कि बॉल स्विंग करवाएंगे, 140 स्पीड डालेंगे, फिर एक अच्छा बैट्समैन होगा तो क्यों नहीं खेले, तो हमने हर क्षेत्र पे काम किया। वो तो अभी दिख रहा है क्योंकि पहले क्या था 9 नंबर पर बैटिंग आती थी, अभी उसको राहुल द्रविड़ ने मौके दिए, सही मौके उसे अभी मिले, तो जो मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल जब हम कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, अभी मुझे दिख रहा है कि सचिन भी नहीं जाती, क्योंकि जो हमने 15-16 साल की बैटिंग में मेहनत की थी वो अभी दिख रही है। और ओवरनाइट ऐसा होता नहीं है कि आप अचानक ही रन बनाने लगे, उसमें मौके सही मिल रहे हैं, उसमें मौके का फायदा। अच्छा बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि पूत के पास पालने में दिखते हैं, तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि दीपक एक बहुत इसके अंदर एक क्रिकेटर छिपा हुआ है? मुझे जब वो 12 साल का था मैं देखता था उसको खेलते हुए, गली में खेलता था वो टेनिस बॉल से, तो मुझे लगा था कि जो काबिलियत है वो देखते थे, और मैं बड़ा पार्टी हूँ इस चीज में, क्योंकि आज मैं कोच भी हूँ, बहुत सारे बच्चों को कोच करता हूँ, तो मुझे एहसास हो जाता है कि उसमें जैसे मैंने पूरी फैमिली में जो राहुल को सिलेक्ट किया कि ये खेलने लायक, वो भी इंडिया में खेला और IPL में खेलता है, तो ये नजर है पार की, और मुझे ऊपर वाले ने दिया है हुनर, तो मुझे एहसास था राहुल जब 8 साल का था तभी, और एक आसान भी था कि बिल्कुल। तो चाहर परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है, क्यों क्योंकि यहाँ से दोनों भाइयों की अच्छी खासी बोली लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे से जुड़ने के लिए।